बहने और लाडली भांजियां कहते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 2 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत आयोजित की थी। लाखों रुपया उस पर पानी की तरह बहाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने इन सभी के मानदेय को बढ़ाने की बात कही थी। वर्ग 1 को 18,000, वर्ग 2 को 14,000 और वर्ग 3 को 10,000 रुपये देने की घोषणा की थी। इस बीच में आपने एक और घोषणा की थी उसी मंच पर कि इन अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण नौकरी में दिया जाएगा, इन सभी को बोनस अंक भी दिया जाएगा, इन सभी की परीक्षा गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा ली जाएगी तथा भविष्य में ऐसे प्रयास किए जाएंगे, ऐसी नीति बनाई जाएगी कि किसी भी अतिथि शिक्षक भाई बहन को, भांजे को, भांजी को बाहर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बड़े ही दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 15-20 दिन के बाद ही ट्रांसफ़र की लिस्ट आने लगी, उच्च पद प्रभार की सूची आने लगी तथा प्रमोशन की सूची आने लगी। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये सारे अतिथि शिक्षक भाई बहन अब बाहर होने की स्थिति में है। यद्यपि लिखित में अभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन एक ऐसी चोट इन अधिकारियों ने इन अतिथि शिक्षक साथियों को दे दी है कि किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है और कई साथी आत्महत्या करने तक जैसा नकारात्मक निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं। इन सब की मांग, और हमारे बीच एक साथी ऐसे भी हैं जो बुरी तरह पीड़ित है, उनको जिस बंदे ने आना है भविष्य में ज्वाइन करना, उसने खुद आकर बता दिया है कि अब आप अपनी दूसरी व्यवस्था कर लो। तो इस साथी के ऊपर या ऐसे हजारों साथियों के दिल पर क्या बीत रही होगी, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। मेरे पास सभी फोन आया था प्रभारी जी का कि आपकी जगह है अतिथि शिक्षक फिजिक्स में, वो लॉक हो गई है और प्रमोट होकर भारती सोनी मैडम आपके इधर आ रही है, तो आप जो है कहीं भी जो है स्कूल देख लेना। अब अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में जगह ही नहीं बचेगी तो अब हम दूसरी जगह कहाँ देखेंगे, क्योंकि उच्च पद यही है हमारा। अब हम कुछ प्रमोशन तो होगा नहीं हमारा कि हम दूसरी जगह जाएं। अब तो हम जो है बेरोजगार हो गए और बीच में ही हो गए, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको 1 साल का अनुबंध किया जाता है और आपको बीच में हटाया नहीं जाएगा, जबकि हमें ये अभी 2 महीने ही नौकरी कर पाए हैं, इसके बाद जो है प्रमोशन लिस्ट आ गई और ये जो है हमें बीच में ही बेरोजगार कर दिया, जिससे हम हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए फीस नहीं भर पा रहे हैं और उनके लिए देख नहीं पा रहे हैं, खेती बाड़ी है नहीं जिससे हम हमारा जीवन यापन करें और जिससे हम आगे की हमारे बच्चों की देख रेख अच्छे से कर सकें। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। हमारे साथ और भी साथी हैं, बहने हैं, आपको कैसा लग रहा है जब आपको पता पड़ रहा है स्थानांतरण सूची आ रही है या उच्च पद प्रभार की सूची आ रही है? तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारा जीवन निराशामय हो गया और हमें आत्महत्या करने की सोच रही है। क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए घर में कुछ भी आय का साधन नहीं है, कुछ ऐसी है जो तलाकशुदा हैं, बहुत ही शिक्षक के पद पर है। तो गवर्नमेंट ने जो कहा था, जो घोषणा की थी सीएम जी ने, कि जो भी उन्होंने घोषणा की थी उनको जो 50% आरक्षण का बोला था, 1 साल का अनुबंध का बोला था और ये बोला था कि उन्होंने सैलरी दुगनी कर देंगे, वो तो उन्होंने दुगनी कर दी है, लेकिन इसके बाद उन्होंने 4 नंबर बोनस अंक बोले थे, वो भी उन्होंने अभी लिखित में नहीं दिए हैं। तो ये सब उन्होंने जो घोषणा की है लिखित में दी जाए और 1 साल का अनुबंध पक्का किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगी? शिवराज सिंह चौहान जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतिथि शिक्षकों को वो ही लेके आए थे और उनको आगे उन्हीं को बढ़ाना है। उनने जो भी घोषणाएं की हैं उनको लिखित में आदेश देके पूरा करें। इन अतिथि शिक्षक भाई बहनों के मन में दुख भी है, आक्रोश भी है। हमारे बीच एक और साथी है और यहाँ पर आप लोगों ने अभी सांकेतिक विरोध किया है, चुने हुए साथियों को यहाँ पर बुलाया है। इन साथियों का ये भी कहना है कि हम लोग चाहते तो यहाँ पर 1,000 और 1,500 अतिथि शिक्षक आ सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए इन लोगों ने अभी चुने हुए साथियों को बुलाया है। ये अपने अपने क्षेत्र के अतिथि शिक्षक साथियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि यदि अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में जो घोषणाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उनको अक्षरशः पूरा नहीं किया गया तो ये पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करेंगे। क्या ये बात सच है?
बिल्कुल सच है और ऐसा होगा। अगर हमारे पक्ष में माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो ऐसा हमें करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन अतिथि शिक्षकों के मन में आक्रोश है, लेकिन इस आक्रोश में एक गहरा दुख समाया हुआ है। ये लोग अपनी बात कहना चाहते हैं अपने मामा से, ये लाडली भांजियाँ अपने मामा से अपने मन की बात कहना चाहती हैं। इनकी आंखें भरी हुई हैं, इनकी आंखों में दर्द है, वेदना है, कष्ट है, हताशा है, निराशा है। और इन सभी का, अतिथि शिक्षक भांजे भांजियों का, मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि उन्होंने महापंचायत में जो घोषणा की थी उसको भी पूरा करें ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये सब लोग मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होगा तो ये लोग किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सारी विसंगतियों से बचना है तो उन्हें अपने आश्वासन अनुसार, वचन अनुसार इन सभी अतिथि शिक्षक साथियों का, भाइयों का, बहनों का भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा। शैलेंद्र सक्सेना, साधना न्यूज़, गंज बासोदा। और ये लोग अभी सांकेतिक विरोध के रूप में थालियां भी लाए हैं, ये लोग बजा रहे हैं, थालियां बजा रहे हैं। और इनका ये कहना है कि अभी हमने ये सांकेतिक विरोध किया है, जिस प्रकार प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इन लोगों को किसी कार्य को करने के लिए सांकेतिक रूप से थालियाँ बजवाई थी, उसी प्रकार ये भाई बहन भी थालियाँ बजाकर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। शैलेंद्र सक्सेना, साधना न्यूज़, गंज बासोदा।